Hello friends, in last lecture we discussed genetic codes and we discussed the table of genetic codes showing 64 codons and out of that 61 genetic codes are used for a coding of 20 different amino acids while 3 codons are termination codon, they do not code for any specific amino acid or any amino acid and they are referred as a stop codon. चलिए तो लास्ट लेक्चर में हमने जनिन संकेत के बारे में समझा, हमने समझा कि कैसे 64 जनिन संकेत पॉसिबल हैं जिसमें से 61 फंक्शनल होते हैं जबकि जो 3 होते हैं ये टर्मिनेशन कोडन होते हैं. अगर हम ब्रीफली इसको फिर से रिवाइज करें तो जेनेटिक कोड इज़ अ मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट ऑन DNA बट फंक्शनल ऑन mRNA, मतलब कि ये DNA में प्रेजेंट होता है लेकिन mRNA में इसको रीड किया जाता है, यूज़ किया जाता है. रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड ऑन mRNA इज ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस फैशन विदाउट एनी पंक्चुरेशन. ओके, टोटल 64 जेनेटिक कोड्स आर देयर. 61 जेनेटिक कोड्स आर यूज्ड फॉर द कोडिंग ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स वाइल 3 जेनेटिक कोड्स आर टर्मिनेशन कोडन. AUG is a stop in is a initiation codon as well as the codon of a methionine. Now, distribution of a genetic codes among 20 different amino acids are quite uneven. मतलब कि मैं अगर ऐसा कहूँगा कि जो 20 amino acids हैं उसके genetic codes के numbers हैं ये काफ़ी अनइवन है. जैसे आप इस टेबल को देखो तो मिथियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका सिर्फ एक ही जेनेटिक कोड है. ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमीनो एसिड जिसका एक ही जेनेटिक कोड है, जबकि एस्पर्जिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसके दो दो जेनेटिक कोड्स हैं. मैं फिर से रिपीट करूं, यहाँ पे आप देखो बराबर एस्पर्जिन मतलब ASN, एस्पार्टिक एसिड मतलब ASP, सिस्टीन CYS, ग्लूटामिन GLN, ग्लूटामिक एसिड GLU, हिस्टिडिन HIS, लाइसिन LYS, फिनाइल एलेनिन PHE और टायरोसिन TYR. ये सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसके दो जेनेटिक कोड्स हैं. आइसोल्यूसिन मतलब ILE एक लौता ऐसा अमीनो एसिड है जिसके 3 जेनेटिक कोड्स हैं, जबकि एलेनिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, वेलिन ये सारे ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसके 4 जेनेटिक कोड्स हैं. और सबसे हाईएस्ट जेनेटिक कोड वाले 3 अमीनो एसिड हैं, दैट इज़ आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड सेरिन, जिसके 6 जेनेटिक कोड्स हैं. तो एन एमिनो एसिड मे हैव अ मोर देन वन स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स. जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये एलेनिन और ग्लाइसिन के जेनेटिक कोड्स देखो. इस टेबल में आप वापस जाओ तो यहाँ पे आपको एलेनिन और ग्लाइसिन के जेनेटिक कोड्स मिलेंगे. चलिए ये टेबल को देखो तो ये एलेनिन के 4 जेनेटिक कोड्स हैं, GCA और GCG. ये सारे एलेनिन के जेनेटिक कोड्स हैं. जब भी mRNA पे आता है GCU या तो GCC या तो GCA या तो GCG, तभी पॉलीपेप्टाइड चेन में एलेनिन को प्लेस किया जाता है. वैसे ही अगर हम दो जेनेटिक कोड्स वाले ये एस्पार्टिक एसिड को देखें, ASP को देखें, इसके जेनेटिक कोड्स है GAU और GAC, तो जब भी mRNA में GAU या तो GAC आता है तभी विद इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन प्लेस किया जाता है एस्पार्टिक एसिड. तो इसको कहते हैं कि अ सिंगल एमिनो एसिड मे हैव अ मोर देन वन स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स. इसको बोलते हैं डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड्स. क्या बोलते हैं? डीजनरेटिव नेचर ऑफ अ जेनेटिक कोड्स. चलिए MCQ के लिए आपको स्पेशली याद रखना है कि विच एमिनो एसिड्स हैव अ हाईएस्ट जेनेटिक कोड. तो 3 हैं ऐसे बराबर. ये कौन कौन से हैं? ल्यूसिन, आर्जिनिन और सेरिन. एक लौता ऐसा अमीनो एसिड जिसके सिर्फ 3 जेनेटिक कोड्स हैं, दैट इज आइसोल्यूसिन. एक जेनेटिक कोड वाले मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन. बाकी जो 2 जेनेटिक कोड वाले हैं ऐसे 9 अमीनो एसिड्स हैं, जबकि 4 जेनेटिक कोड्स वाले 5 अमीनो एसिड्स हैं. तो इसको मिलाते टोटल 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग जेनेटिक कोड्स पजेस करते हैं. याद रखना आपको ये टेबल मगअप नहीं करना है बराबर. ये टेबल की कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, पूरा टेबल याद नहीं रखना है. कोई नहीं पूछेगा इवन MCQ में कि कौन सा जेनेटिक कोड एग्जैक्टली किसका है. जैसे कोई ऐसा नहीं पूछता है कि व्हाट इज़ जेनेटिक कोड ऑफ हिस्टिडिन, ऐसा कोई पूछता नहीं है. इसको मगअप करने की कोई नेसेसिटी नहीं है. लेकिन आपको स्टॉप कोडोन 3, स्टार्ट कोडोन याद रखने हैं और होमोपॉलीमर जैसे UUU, फिनाइल एलेनिन, GGG, ग्लाइसिन, AAA, लाइसिन और CCC, प्रोलिन को
याद रखना है। चलिए, तो जेनेटिक कोड को समझने के बाद हम समझते हैं कि हाउ टीआरएनए यूज्ड एज अ एडेप्टर टू रीड जेनेटिक कोड। तो कैसे टीआरएनए पर्टिकुलर जेनेटिक कोड को रीड कर सकता है, क्योंकि जेनेटिक कोड को रीड करने की कोई एबिलिटी एमिनो एसिड के पास नहीं होती है। हम जानते ही हैं कि एमिनो एसिड स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ अटैच होता है, और वो टीआरएनए होता है ये एमआरएनए के जेनेटिक कोड को रीड करता है, उसके साथ उसकी साथ स्पेसिफिक इंट्रैक्शन करता है। तो हम अब समझने वाले हैं कि कैसे टीआरएनए जो होता है ये वो पर्टिकुलर जेनेटिक कोड के साथ बाइंड हो सकता है। चलिए, इस फिगर को देखो। इस फिगर में एमआरएनए बताया है, एमआरएनए पे एयूजी नाम का मिथियोनिन का जेनेटिक कोड है, और उसके साथ एक टीआरएनए जो यहाँ पे क्लोवर लिप स्ट्रक्चर में बताया है ये एक्चुअली उसके साथ इंट्रैक्शन कर रहा है। तो आप जानते हैं कि टीआरएनए का जो 3' एंड है ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड के साथ बाउंड होगा, तो यहाँ पे ये मिथियोनिन के साथ बाउंड होगा, और टीआरएनए का जो एंटीकोडन लूप होता है उसमें 3 लेटर वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जिसको एंटीकोडन कहते हैं, एंड एंटीकोडन इज ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री टू जेनेटिक कोड ऑन एमआरएनए। तो यहाँ पे देखो कि जब ए है जेनेटिक कोड में तो टीआरएनए में यू है, मतलब कि एंटीकोडन में यू है। अगर यू है तो ए है, सी है तो जी है। तो यहाँ पे ए यू सी है, सॉरी ये जो एंटीकोडन है ये सॉरी जेनेटिक कोड है ए यू सी है। तो अगर ए यू सी है तो इसका जो एंटीकोडन है ये यू ए जी है। एंटीकोडन क्या है? यू ए जी। अगर हम इसको थोड़ा देखें टेबल में कि ए यू सी इज़ अ जेनेटिक कोड ऑफ विच एमिनो एसिड, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि अगर ए यू सी वाली हम सीरीज देखें तो ए यू सी ये रहा, ए यू सी ये रहा ए यू सी, तो ये आइसोल्यूशन का जेनेटिक कोड है। मतलब कि ये जो टीआरएनए है बराबर, ये अपने 3' एंड पे हमेशा आइसोल्यूशन को ही अटैच करवाएगा, किसी और अमीनो एसिड को अटैच नहीं करवाएगा। और जेनेटिक कोड ऑफ एयूसी इज ऑफ आइसोल्यूशन, तो ये अपने एंटीकोडन यूएजी का यूज़ करके इसको रीड करेगा। दूसरा कि कोडन और एंटीकोडन की बाइंडिंग भी एंटी पैरेलल होती है। आप देखो ये जेनेटिक कोड की सिक्वेंस है 5' to 3' एयूसी, जबकि टीआरएनए यहाँ से 5' to 3' है, मतलब कि टीआरएनए की 5' to 3' सीक्वेंस है जीएयू। क्या सीक्वेंस है? जीएयू। 5' to 3' क्या है? जीएयू। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडोन के 3rd न्यूक्लियोटाइड के साथ बाउंड होता है, कोडोन का 2nd न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडोन के 2nd न्यूक्लियोटाइड के साथ बाउंड होता है, और कोडोन का 3rd न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडोन के 1st न्यूक्लियोटाइड के साथ बाउंड होता है। मतलब कि कोडोन और एंटीकोडोन की जो पेयरिंग होती है ये भी एंटी पैरेलल होती है, लाइक डीएनए एंटी पैरेलल पेयरिंग एज वेल एज डीएनए आरएनए एंटी पैरेलल पेयरिंग। तो याद रखना कि जेनेटिक कोड का पहला न्यूक्लियोटाइड और एंटीकोडन का 3rd न्यूक्लियोटाइड, जेनेटिक कोड का 2nd न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडन का 2nd न्यूक्लियोटाइड, जेनेटिक कोड का 3rd न्यूक्लियोटाइड और एंटीकोडन का 1st न्यूक्लियोटाइड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बाउंड होते हैं। तो टीआरएनए इज हैविंग एंटीकोडन विच कैन रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक जेनेटिक कोड ऑन एमआरएनए, एंड टीआरएनए ऑलवेज अटैचेस विद अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड, सो इट कैन रिलेट एमिनो एसिड टू अ कोडन। चलिए, तो अब फंक्शनल जेनेटिक कोड्स कितने हैं? फंक्शनल जेनेटिक कोड्स हैं 61, बराबर। तो एक कॉमन सा आपको क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी एंटीकोडोन्स कुड बी देयर। अगर जेनेटिक कोड 61 है तो एंटीकोडोन कितने होंगे? मैं क्यों 61 जेनेटिक कोड्स कह रहा हूं? क्योंकि 3 कोड होते हैं, ये कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, मतलब कि 61 फंक्शनल जेनेटिक कोड्स हैं। तो अगर 61 फंक्शनल जेनेटिक कोड्स हैं तो कितने एंटीकोडोन होंगे और कितने टाइप्स के टीआरएनए होंगे? तो आपका पहला आंसर होगा कि सर 61 टाइप्स के एंटीकोडोन होने चाहिए और 61 टाइप्स के टीआरएनए होने चाहिए, बराबर। अगर मैं ऐसा आपको पूछूं कि अगर 61 फंक्शनल जेनेटिक कोड्स हैं तो कितने टाइप्स के एंटीकोडोन होंगे, तो आप कहोगे कि 61 टाइप्स के एंटीकोडोन होंगे, मतलब कि 61 टाइप्स के टीआरएनए होंगे। लेकिन ये गलत आंसर है। इन ओरिजिनली और ओरिजिनली देर इज ओनली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 31 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीकोडोन एंड एक्चुअली 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन। तो अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ 31 डिफरेंट टाइप्स के एंटीकोडोन चाहिए और 32 डिफरेंट टाइप्स के टीआरएनए चाहिए फॉर अ ट्रांसलेशन, 61 नहीं चाहिए, तो नेचुरल सी बात है कि आपको ये आंसर सही नहीं लगेगा।
आपको ये आंसर सही नहीं लगेगा। बराबर, कि क्यों 61 जीनेटिक कोड्स है तो क्यों एंटीकोडॉन्स कम है, मतलब कि वाई लोअर नंबर ऑफ टीआरएनए कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज ऑल जीनेटिक कोड्स। तो इसका आंसर छुपा हुआ है एक हाइपोथेसिस में, जिसको बोलते हैं वोबल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्या बोलते हैं? वोबल हाइपोथेसिस। तो अब हम समझने जा रहे हैं ये हाइपोथेसिस, जिसको कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। तो वोबल हाइपोथेसिस में आपको समझाऊं, उससे पहले ये वर्ड समझ लो। वोबल, वोबल का मतलब होता है लूज, बराबर। वोबल का मतलब होता है यहाँ पे लूज। और ये हाइपोथेसिस दी थी फ्रांसिस क्रिक ने टू एक्सप्लेन बाइंडिंग बिटवीन द एंटीकोडॉन एंड कोडॉन। चलिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट वोबल हाइपोथेसिस को समझते हैं। चलिए, वोबल हाइपोथेसिस को मैं आपको समझाऊं, जस्ट अ वन मिनट। चलो, वोबल हाइपोथेसिस को हम समझें, उससे पहले समझ लीजिए कि जब एंटीकोडॉन और कोडॉन की पेयरिंग होती है तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन, सेकंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन, थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ सेकंड एंटीकोडॉन एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन एंड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन। अब इस पेयरिंग में जो फर्स्ट टू बेस पेयर होते हैं, मतलब कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन, सेकंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन एंड सेकंड न्यूक्लियोटाइड एंटीकोडॉन, यही दो जो बेस पेयर होते हैं यही स्पेसिफिसिटी डिसाइड कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? स्पेसिफिसिटी डिसाइड कर देते हैं। और जो थर्ड पेयर होती है, मतलब कि थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडॉन एंड फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन, ये स्पेसिफिसिटी में कोई खास रोल प्ले नहीं करती, ये लूज पेयरिंग होती है। ये पेयरिंग कैसी होती है? लूज कहते पेयरिंग होती है, और इसीलिए इसको एक्चुअली वोबल हाइपोथेसिस नाम दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर एंटीकोडॉन UAG है, उसकी जगह पे मैं CAG कर देता हूँ, तो ये एक्चुअली tRNA कोडॉन के साथ बेस पेयर कर सकता नहीं है। मैंने स्पेसिफिसिटी चेंज कर दी, UAG की जगह पे CAG कर दिया एंटीकोडॉन में, मतलब कि मैंने थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन बदल के यू की जगह पे सी कर दिया, तो स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है और ये tRNA अब कोडॉन के साथ बेस पेयर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने जी के जगह पे सी कर दिया है, जी के जगह पे इवन मैंने ए कर दिया है या तो यू कर दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बराबर। जी के जगह पे ए कर दिया है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, मतलब कि मैंने एंटीकोडॉन का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड अगर चेंज किया है तो भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो रिकॉग्निशन है एंटीकोडॉन और कोडॉन का, ये एक्चुअली एंटीकोडॉन के लास्ट दो न्यूक्लियोटाइड्स और कोडॉन के पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स से होता है। थर्ड पेयर होती है ये वोबल पेयर होती है, लूज पेयर होती है, रिकॉग्निशन में कोई रोल प्ले करती नहीं है, बराबर। तो मैं फिर से यहाँ पे एक्चुअली ये आपको पढ़ के समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो पॉइंट है इसका, द फर्स्ट टू बेस ऑफ mRNA एंड कोडॉन, mRNA कोडॉन ऑलवेज फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग वॉटसन क्रिक बेस पेयर with the corresponding bases of the tRNA antiCODON and confer most of the coding specificity। मतलब कि mRNA के पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स और एंटीकोडॉन के लास्ट दो न्यूक्लियोटाइड्स ही स्ट्रॉन्ग वॉटसन क्रिक बेस पेयर बनाते हैं, AU और GC वाला, और यही स्पेसिफिसिटी डिसाइड कर देते हैं कोडॉन और एंटीकोडॉन के बीच में। चलिए, सेकंड पॉइंट है, द फर्स्ट बेस ऑफ द एंटीकोडॉन, मतलब कि एंटीकोडॉन का पहला बेस, रीडिंग इन द 5' to 3' डायरेक्शन, दिस पेयर्स विद द थर्ड बेस ऑफ अ कोडॉन, मतलब कि ये जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की, ये एंटीकोडॉन का पहला न्यूक्लियोटाइड है, जबकि ये कोडॉन के थर्ड न्यूक्लियोटाइड के साथ बेयरिंग करता है। ओके, डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कोडॉन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय tRNA, मतलब कि एक tRNA कितने कोडॉन्स के साथ बेस पेयर कर सकता है, ये डिटरमाइन करता है, कौन करता है, दैट इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडॉन विच बेस पेयर विद द थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ कोडॉन। चलिए, इसको एक यहाँ पे दूसरा टेबल है, इसके थ्रू समझते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान रखना, आराम से आप समझ जाओगे। देखो, अगर पहला न्यूक्लियोटाइड है ये है सी या तो ए, मतलब कि जो एंटीकोडॉन है इसका पहला न्यूक्लियोटाइड सी है या तो ए है,
अब सी सिर्फ जी के साथ बेस्ट पेयर कर सकता है, सिर्फ यू के साथ कर सकता है, ये वॉटसन क्रिक बेस्ट पेयरिंग है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग नहीं कर सकता है, एडिनिन भी नहीं कर सकता है। और उसका मतलब है कि अगर एंटीकोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड सी या तो ए है, तो ऐसा टीआरएनए सिर्फ एक ही कोडोन को रीड कर पाएगा। यहाँ पे याद रखना है कि हमें एंटीकोडोन के लास्ट दो न्यूक्लियोटाइड्स और कोडोन के पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज नहीं करना है, इनको एज इट इज़ रखना है। लेकिन हम एंटीकोडोन के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, अगर एंटीकोडोन का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सी या तो ए है, तो ऐसा टीआरएनए सिर्फ एक ही जीनेटिक कोड के साथ बेस पेयर कर सकता है। चलिए सेकंड केस, अगर एंटीकोडोन का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल या तो ग्वानिन है, यू या तो जी है, तो यू ए के साथ वॉटसन क्रिक बेस पेयर करता है और जो जी है इसके साथ नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग करता है। वैसे जी है सी के साथ वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग करता है और यू के साथ नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग करता सकता है। मतलब कि यूरेसिल या तो ग्वानिन एज अ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पजेस करने वाला एंटीकोडोन वाला टीआरएनए दो अलग अलग जीनेटिक कोड्स को रीड कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इनके पहले दो कोडोन के न्यूक्लियोटाइड्स और एंटीकोडोन के लास्ट दो न्यूक्लियोटाइड्स की प्रॉपर बेस पेयरिंग होनी चाहिए। तो अगर टीआरएनए में एंटीकोडोन का फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल या तो ग्वानिन है, तो ऐसा टीआरएनए दो जीनेटिक कोड्स को एक साथ रीड कर सकता है, मतलब दो जीनेटिक कोड को रीड कर सकता है। चलिए अगर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडोन इज इनोसिन, पहला न्यूक्लियोटाइड कौन है, इनोसिन, तो इनोसिन अगर पहला न्यूक्लियोटाइड है, किसका पहला न्यूक्लियोटाइड है, तो एंटीकोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड है। इनोसिन इज अ मॉडिफाइड इज अ अनयूजुअल बेस नॉट फाउंड इन डीएनए और आरएनए। इनोसिन एक प्यूरिन है जो नॉर्मली डीएनए आरएनए में नहीं होता है, और ये इनोसिन टीआरएनए में पाया जाता है। ये इनोसिन अगर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ऑफ एंटीकोडोन, देन इनोसिन कैन बेस पेयर विथ एडिनिन यूरेसिल एज वेल एज साइटोसिन। मतलब कि ये अलग अलग कोडोन को रीड कर सकता है जिसका थर्ड न्यूक्लियोटाइड एडिनिन यूरेसिल या तो साइटोसिन हो सकता है। मतलब कि ऐसा टीआरएनए कि जिसका एंटीकोडोन का पहला न्यूक्लियोटाइड इनोसिन होता है, ये एक साथ तीन जीनेटिक कोड्स को रीड कर सकता है। चलिए इनोसिन वाला एग्जांपल ही हम लेनिंजर में देखते हैं, हमने जो फिगर देखी थी उसके नीचे ही दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे देखिए, ये एंटीकोडोन है सी, एंटीकोडोन की 5'-3' सीक्वेंस है ICG, एंटीकोडोन की 5'-3' सीक्वेंस है ICG। मतलब कि एंटीकोडोन ICG है, इनोसिन साइटोसिन ग्वानिन ऐसा टीआरएनए, ये तीन अलग अलग जीनेटिक कोड्स को रीड कर सकता है। ये जीनेटिक कोड है AGC, UGC और CGC। ये तीन अलग अलग जीनेटिक कोड्स एक ही एमिनो एसिड के हैं। ये तीनों तीन जो जीनेटिक कोड्स हैं, बराबर, ये तीनों जीनेटिक कोड्स होते हैं सेरिन के जीनेटिक कोड्स हैं। ये सेरिन नाम के एमिनो एसिड के जीनेटिक कोड्स हैं, और इनका जो टीआरएनए है, इसका जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है ये इनोसिन है, क्योंकि इनोसिन एडिनिन के साथ बेस पेयर कर सकता है, क्योंकि इनोसिन यूरेसिल के साथ कर सकता है, क्योंकि इनोसिन साइटोसिन के साथ भी कर सकता है। यहाँ पे आप देखो कि जो फर्स्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ कोडोन है सीजी, इट इज़ फॉर्मिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग विद लास्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ एंटीकोडोन GC। तो इसीलिए एक्चुअली ये पहले दो न्यूक्लियोटाइड की जो पेयरिंग है कोडोन और एंटीकोडोन में, ये स्ट्रॉन्ग वॉटसन क्रिक है। थर्ड न्यूक्लियोटाइड की जो कोडोन और एंटीकोडोन पेयरिंग है, ये AI हो सकती है, UI हो सकती है, या तो CI हो सकती है। ये लूज नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो सेरिन के 6 जीनेटिक कोड्स है, इसको रीड करने के लिए तीन ही टीआरएनए होते हैं। कितने टीआरएनए होते हैं, तीन होते हैं, बराबर, क्योंकि इनोसिन इज प्रेजेंट इन अ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इन वन ऑफ द टीआरएनए एंड इट कैन रीड अ 3 जीनेटिक कोड्स। तो
एक टीआरएनए एक से ज़्यादा कितने जेनेटिक कोड्स रीड कर सकता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडोन. इफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ एंटीकोडोन इज सी और ए, देन टीआरएनए कैन ओनली रीड वन जेनेटिक कोड. इफ अ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ टीआरएनए इज अ यू और जी, देन अ टीआरएनए कैन रीड टू जेनेटिक कोड्स. और इफ अ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ टीआरएनए एंटीकोडोन इज अ इनोसिन, देन सच टीआरएनए कैन रीड मैक्सिमम थ्री कोडोन्स. चलिए, तो ये था सेकंड पॉइंट. अब जाते हैं थर्ड पॉइंट में. ओके, व्हेन एन एमिनो एसिड इज स्पेसिफाइड बाय अ सेवरल डिफरेंट कोडोन्स, जैसे कि एक सेरीन है, इसके छह कोडोन्स है. द कोडोन दैट डिफर इन आइदर ऑफ द फर्स्ट टू बेजिस रिक्वायर द डिफरेंट टीआरएनए. मतलब कि ऐसे कोडोन के जो पहले दो बेस में एक दूसरे से अलग हैं, तो इसको अलग अलग टीआरएनए चाहिए. चलो इसको हम एक वही वापस अपना टेबल का यूज़ करके समझते हैं. ध्यान से देखना, टेबल में हम आसानी से समझ सकते हैं. देखो, चलिए हम जाते हैं, एग्जाम्पल ही लेते हैं सेरीन का. देखो सेरीन में यहाँ पे दो जेनेटिक कोड्स हैं, ए जी यू और ए जी सी. ये दो अलग अलग जेनेटिक कोड है, ए जी सी और ए जी यू. अब हम उसके दूसरे जेनेटिक कोड्स को देखते हैं, ये चार, यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए और यू सी जी. बराबर क्या है, यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए और यू सी जी. अब देखो जो पहले तीन हैं, यू सी यू, यू सी सी और यू सी ए, ये तीनों एक ही टीआरएनए से रिकॉग्नाइज होते हैं, एक ही टीआरएनए से रिकॉग्नाइज होते हैं. उस टीआरएनए के जो एंटीकोडोन होता है उसका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड इनोसिन होता है. यू सी जी होता है, ये दूसरे टीआरएनए से रिकॉग्नाइज होता है, उसका फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड सी होता है. तो यहाँ पे ये देखो चार जो जेनेटिक कोड्स हैं उसमें पहले दो तो सेम ही हैं, यू सी, यू सी, यू सी, यू सी, बराबर. लेकिन जो लास्ट है ये सब में अलग होता है, यू सी ए जी के फॉर्म में अलग हो रहा है. तो अब आप कंपेयर करो पहले दो जेनेटिक कोड को, यू सी यू और यू सी सी, यू सी यू और यू सी सी को कंपेयर करो दूसरे दो जेनेटिक कोड ए जी यू और ए जी सी से. तो यहाँ पे यू सी यू और अगर ए जी यू को आप कंपेयर करोगे तो जो दो न्यूक्लियोटाइड है ये अलग अलग है, पहले दो न्यूक्लियोटाइड अलग है. बराबर, यहाँ पे ए जी है पहले दो न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे यू सी है. तो इसीलिए ये जो ए जी यू और ए जी सी नाम के जेनेटिक कोड्स हैं इसको रीड करने के लिए अलग टी आर एन ए चाहिए, और यहाँ पे यू सी यू, यू सी सी और यू सी ए को रीड करने के लिए अलग टी आर एन ए चाहिए. क्योंकि ये अलग अलग जेनेटिक कोड भले ही एक ही अमीनो एसिड के हैं, लेकिन ये अलग अलग जेनेटिक कोड्स के पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हैं, स्पेशली ए सी यू और ए सी सी और यू सी यू और यू जी, यू सी जी के बीच में. चलिए, तो ये थर्ड पॉइंट था वोवल हाइपोथेसिस का. ये थर्ड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक एमिनो एसिड के एक से ज़्यादा स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स होते हैं, तो अगर ये स्पेसिफिक जेनेटिक कोड्स एक पहले दो न्यूक्लियोटाइड में अलग होते हैं तो उसके लिए अलग टीआरएनए चाहिए. मिनिमम ऑफ 32 टीआरएनए आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट 61 कोडोन्स, 31 टू एनकोड एमिनो एसिड्स एंड फर्स्ट फॉर अ इनिशिएशन. तो 32 टीआरएनए चाहिए, लेकिन एंटीकोडोन सिर्फ 31 चाहिए. हम समझेंगे जब इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन समझेंगे कि क्यों इनिशिएशन इनिशिएटर टीआरएनए अलग होता है. लेकिन अभी आप समझ लो कि टोटल 61 जेनेटिक कोड्स रीड करने के लिए क्या चाहिए, 31 जितने एंटीकोडोन चाहिए. लेकिन टीआरएनए टाइप्स 32 होते हैं, क्योंकि 32nd टीआरएनए एक अलग सा टीआरएनए होता है, इसको इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं. चलिए, तो ये होबल हाइपोथेसिस थी जिसको आपको याद रखना है. मैं लेनिंजर व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कर रहा हूँ, तो आप लेनिंजर का ये आप देखो पेज नंबर देख लीजिए, यहाँ से आपको डायरेक्टली रीड करना है. तो पेज नंबर 10439 से आपको रीड करना है, अलग अलग जगह पे 1042, 1041 और 42 पे आपको ये होबल हाइपोथेसिस के चार पॉइंट्स मिल जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.